लेकिन अपने आप को बंद कमरे में रखकर, चाहे वो तुम्हारा घर हो या हमारा, उससे तुम्हें मदद नहीं मिलेगी। तुम्हें बाहर निकलना होगा, ताजी हवा, खुले आसमान के नीचे, नए लोग, नई जगह, तुम देखना, तुम्हें अच्छा लगेगा। ट्रस्ट मी, मुझे कहीं नहीं जाना है और किसी से नहीं मिलना है। मॉम और तुम मुझे जबरदस्ती मुंबई ले जा रहे हो। मैं कोई देखी देखी अरे कहाँ है हमारी प्यारी हर्षी रानी? ओ माँ, विनायक जी, हम लोग गलत समय पे तो नहीं आ गए? अब डैड। हाय बेटा। आप कब आए? अरे बेटा, तुम्हारे बाबा तुमसे मिलने आए हैं। मैं तुम्हारे कमरे की तरफ आ रही थी तो उन्हें भी साथ ले आई। हाँ? और अब अनी हेल्पलेसली देखता है विनायक की ओर। अपनी बिखरी जिंदगी को कैसे सुधारे वो? पैकिंग चल रही है, सब सामान हो गया, कुछ छूटा तो नहीं? अनी पैकिंग कर रहा है, ये बेटर बता पाएगा। हाँ हाँ, बताओ बताओ, क्या खबर है? नहीं ठामी, कुछ फाइनल नहीं हुआ अभी तक। बस मैं और अर्शी वही डिसाइड कर रहे थे कि क्या पैक करें क्या नहीं करें, बस यही। झूठ मत बोलो अनी। अनी मेरे लिए ड्रेस चूज कर रहा था, मैं तो बस यहाँ चुपचाप बैठी थी। हर्ष बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ डैड, सब ठीक है। नहीं अंकल, एक्चुअली कुछ ठीक नहीं है। और अब अनी सबके सामने सच उगल ही देता है, जैसा दिखता है वैसा कुछ भी नहीं। थामी भी यहाँ पे है, मैं इनके सामने बातें कर सकता हूँ, है ना? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या पता तुम क्या बोलने वाले हो? हर्षी तुम्हें अच्छे से पता है, थामी भी यहीं पे, अंकल भी यहीं पे, मुझे कुछ कहना है। आप लोग प्लीज बैठिए ना। हाँ, तेरी शादी हो गई तो तुझे क्या लगता है तेरी ठम्मी बूढ़ी हो गई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विनायक जी, आप बैठिए। जो मैं कह रहा था कि अर्शी बहुत दिन से अपसेट है, मेरी वजह से या शायद किसी और वजह से, लेकिन पॉइंट ये है कि अर्शी खुश नहीं है। इसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि अंकल आप, हमारी फैमिली, मैं, हम सब इससे कितना प्यार करते हैं। पर शायद अनी को ये नहीं पता कि अर्शी उसके फैमिली का प्यार पाने के लिए शादी नहीं करी थी, और शादी तो अधूरी भी है। पर अर्शी को किसी का ख्याल सताता तो है, बोलती कुछ नहीं। मेरी सारी फिक्र, मेरी सारी जिम्मेदारी इसके लिए ही है, और ये बात घर में हर कोई जानता है। बेटा, तुम हमारे घर की लक्ष्मी सरस्वती दोनों हो। हम ना तुम्हारा बुरा चाहते हैं ना सोचते हैं। लेकिन ठामी, इसे तो ये भी लगता है कि हम इसकी बात को सीरियसली लेते ही नहीं है। अंकल प्लीज, आप इसे समझाइए ना। हाँ अर्शी बेटा, क्या हुआ बेटा? बेटा सब ठीक है, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा डैड, कुछ भी नहीं, सब कुछ एक झटके में बदल गया डैड। और अब विनायक को अंदाजा होता है कि अर्शी किस डर से गुजर रही होगी, जहां उसकी आत्मसम्मान के साथ साथ उसकी खुशी में भी आंच तो आई है। और वहीं अब दादी अन्नी को इशारा करती है। देखो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम किस हालात से गुजरी हो, है ना? बाप बेटे को थोड़ी देर अकेला छोड़ दे, तू चल मेरे साथ। थम्मी, आर यू श्योर हमें जाना चाहिए? हाँ, तू कमरे में नहीं रहेगा ना तो अपने बाबा से खुल के बात करेगी, तू चल। आप बोल लो। विनायक जी, आप लोग आराम से बैठ के बात कीजिए, हम लोग बाहर हैं। जी जी। और अब अन्नी अर्शी की ओर देखता है, आखिर क्या बताएगी वो अपने पापा को? डैड, डैड मुझे यहाँ नहीं रहना है, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे मुंबई जाने से रोक लीजिए, मुझे मुंबई नहीं जाना डैड। पर क्यों बच्चे? डैड क्योंकि बचपन से मैं इस भाग दौड़ की जिंदगी में लगी हूँ, मैं थक चुकी हूँ डैड, लेकिन वो मुझे रुकने नहीं देगी। और विनायक आज अपनी बहादुर बेटी को इस कदर टूटता हुआ देखता है। वो मुझे दो पल चैन की सांस नहीं लेने देंगी, उनके लिए तो हर कोई दुश्मन है, हर कोई उनका कॉम्पिटिशन है, लेकिन मैं,
मैं उनकी लड़ाई लड़ते लड़ते थक चुकी हूँ डैड। और अब एक बाप अपनी बेटी की बेबसी समझता है। क्या होता है किसी के इशारों पर नाचना, उसे पता है। डैड प्लीज मुझे मुंबई जाने से रोक लीजिए प्लीज। खुशी बेटा तुम्हारी मॉम मानेगी नहीं। डैड आप कुछ भी कीजिए लेकिन उन्हें कन्विंस कीजिए, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। डैड मुझे इस भागदौड़ की जिंदगी से दूर रहना है, मुझे शांति चाहिए डैडा, मैं बहुत थक चुकी हूँ। बेटा मैं तेरी सारी बातें समझता हूँ, तू किस दौर से गुजरी है, अभी किस हाल में है। बस अपनी तसल्ली के लिए मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ कि तू सच में मुंबई नहीं जाना चाहती, डांस नहीं करना चाहती। डैड मैं डांस करना चाहती हूँ लेकिन ऐसे नहीं, किसी और के कहने पे नहीं, अपनी मर्जी से, अपने दम पर। और अब विनायक ये सुनकर समझ जाता है कि अर्शी आखिर क्या बोलना चाह रही है। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी तब, अभी नहीं डैड। ठीक है बेटा, मैं तेरी मॉम से बात करूंगा, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, देखते हैं क्या कहती हूँ। डैड जो भी करना है कीजिए, मुझे आराम चाहिए। Really tired. I'm really tired, Dad. I'm really tired. हाँ बच्चे, जैसा तू चाहती है वैसे ही होगा, मैं कोशिश करूंगा, बस बस संभाल अपने आप को। और अब अपने पापा की गोद में एक छोटी बच्ची की तरह अर्शी पना लेती है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सृष्टि अपनी बेटी को समझ ही नहीं पाई कि वो क्या चाहती है, उसे क्या करना है, पर एक कंपटीशन के तौर पर अपनी ही बेटी को उतार देती है हर वक्त सृष्टि। पर क्या विनायक सृष्टि को समझा पाएगा कि उनकी बेटी जिस दौर से गुजर रही है वो उसके लिए कितना दर्दनाक है, इमोशनली वो ड्रेन्ड आउट है। और फिर झनक भी तो है जिसकी वजह से वो अनी को भी नहीं अपना पा रही है। तो आखिर होगा क्या जब जहां अनी और अर्शी को मुंबई तो हर हाल में जाना ही है। देखते रहिए आगे की अपडेट्स में होता क्या है, जहां अनी और अर्शी के साथ समय का चक्र एक बार फिर मिलाएगा उन्हें झनक से। आइए आप दोनों को आज के स्टार परफॉर्मर से मिलवाते हैं, मिलिए झनक रैना से। जिंदगी ने फिर एक ऐसा मोड़ लिया है जहां झनक और अनिरुद्ध के रास्ते एक दूसरे से टकरा गए हैं। अब इस आने वाले तूफान से क्या दोनों बच पाएंगे या तबाह हो जाएंगे।